अब YouTube नहीं देगा किसी को कोई पैसा, बंद कर दिया मोनेटाइज सिस्टम, बढ़ गई कंटेंट क्रिएटर की दिक्कतें। कितने भी वीडियो डालो, कुछ भी करो, नहीं आएगा रिवेन्यू। YouTube ने बदल दिए अपने सारे नियम। आप सिर्फ फेमस होने के लिए डाल सकते हैं वीडियो, बस वायरल होंगे आप, पर एक पैसा नहीं देगा YouTube। करोड़ों लोगों की कमाई का साधन हुआ बंद, आखिर क्यों किया YouTube ने ऐसा? आप क्या करेंगे यूट्यूबर्स? YouTube पर काम करने वालों के लिए अब तक की ये सबसे बुरी खबर है, क्योंकि YouTube ने अब मोनेटाइज वाला सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब ये कि अब तक YouTube पर वीडियो डालने का जो पैसा मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, क्योंकि YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी बंद कर दी है। अब इस खबर के सामने आने के बाद से हर आदमी की टेंशन बढ़ गई, हर यूट्यूबर चिंता में है, क्योंकि इसके बंद होने से करोड़ों लोगों की कमाई का साधन बंद हो जाएगा। लेकिन YouTube ने ऐसा क्यों किया और क्या पूरी दुनिया में इसे बंद कर दिया गया, सब कुछ बताएंगे। बस 3 मिनट तक मेरे साथ इस खबर में आपको जुड़े रहना होगा। दरअसल YouTube ने अपना मोनेटाइज सिस्टम फिलहाल रूस में बंद किया है। अब रूस का कोई भी व्यक्ति YouTube से पैसा नहीं कमा सकता है। दरअसल YouTube ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की, जो रूस आधारित कंटेंट क्रिएटर को प्रभावित करता है। इस अपडेट के तहत अब रूस में बनाए गए वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है कि रूस के कंटेंट क्रिएटर को उनकी वीडियो की आय से वंचित रखा जाएगा। मतलब उन्हें किसी वीडियो पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस फैसले की जानकारी एक आधिकारिक संदेश के माध्यम से दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि रूस में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम के कारण YouTube ने वहां के एडसेंस एड मैनेजर और एड बॉम्ब अकाउंट्स की मोनेटाइजेशन क्षमताओं को रोक दिया है। इस संदेश में कहा गया है कि रूस में चल रहे घटनाक्रम के चलते हम रूस के पब्लिशर्स एडसेंस एड मोब और एड मैनेजर के साथ मोनेटाइजेशन बंद कर रहे हैं। अब जब रूस में ऐसा हुआ तो भारत में रहने वाले यूट्यूबर्स की टेंशन अपने आप बढ़ गई, क्योंकि जानकारी के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा लोग YouTube का इस्तेमाल करते हैं। बता दें, भारत में YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को प्रति 10,000 व्यूज पर औसतन 200 से 1,000 तक की आय होती है। हालांकि यह क्लिक और व्यूज की संख्या पर निर्भर करता है और इसमें समय के साथ उतार चढ़ाव आता रहता है। पर जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला और भारत के यूट्यूबर्स की कमाई जारी रहेगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब को सबसे ज्यादा कमाई भारत से ही होती है। लेकिन YouTube के इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर YouTube के कंटेंट क्रिएटर की चिंताओं में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि यह कदम YouTube के वैश्विक मोनेटाइजेशन पॉलिसी की दिशा को बदल सकता है। वहीं स्थानीय कंटेंट क्रिएटर्स को भी इस नए अपडेट के संभावित प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें अपनी रणनीतियों को समायोजित करना पड़ सकता है। वहीं YouTube की इस नई नीति के बाद रूस के कंटेंट क्रिएटर को मोनेटाइजेशन से वंचित कर दिया गया और यह कदम एक बड़ी सियासी और आर्थिक घटना का हिस्सा है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या अन्य देशों में भी ऐसी नीतियों को लागू किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।